विष्णु की जय। भगवान विष्णु की जय। भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। ठहरिए ऋषिराज, भगवान इस समय विश्राम कर रहे हैं, मैं आज्ञा लेकर अभी आता हूं। जगत जननी की जय। क्या है? द्वार पर चार ऋषि खड़े, देखने में बालक पर उम्र में बड़े मालूम होते हैं, भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। उनसे कह दो कि देवाधिदेव इस समय नींद में है, थोड़ी देर ठहरे। जो आज्ञा। जगत जननी महालक्ष्मी की आज्ञा है कि आप लोग कुछ देर तक यहीं विश्राम करें। कारण? भगवान इस समय सो रहे हैं। भगवान सो रहे हैं? अगर भगवान सो जाएं तो त्रिलोकी का सोमवार ही हो जाए। क्या लक्ष्मी देवी को ये भी पता नहीं, भूख प्यास नींद आहार ये मनुष्य लोक की बातें हैं। ऐसे अज्ञानियों का यहाँ कोई काम नहीं है, लक्ष्मी देवी को मनुष्य लोक में जाना ही चाहिए। अनर्थ हो गया देवी, तुमने बहुत बुरा किया। किंतु हुआ क्या? ठहरिए, सुनिए तो। आपको मेरे दर्शन में विलंब हुआ और कुछ देर द्वार पर खड़ा रहना पड़ा, इसके लिए मुझे दुख है। देवी, तुमने आत्म तत्व के जानने वाले ब्रह्मचारियों का अनादर किया है। लेकिन मैंने झूठ थोड़े ही कहा था प्रभु, आप सच में सो रहे थे। यही तो तुम्हारा अज्ञान है। तुम ये क्यों भूल गई कि मैं त्रिलोकी का पालन करते हुए भी ऐसे तपस्वियों का दास हूँ। मेरा अपराध हुआ प्रभु। तो फिर अपराध का दंड तो भुगतना ही होगा। क्या आज्ञा दी है मेरे लिए? तो मैं इन बाल योगियों के शाप को स्वीकार करना होगा और मृत्यु लोक में जाकर जन्म लेना होगा। ऋषिराज, इतना भारी दंड? लेकिन देव, दीपक से उसकी ज्योति कैसे अलग हो सकती है? अलग हो जाने पर बुझ ना जाएगा दीपक? भूलती हो देवी, न ये वो दीपक है जो बुझ जाए, न तुम वो ज्योति हो जो हमेशा के लिए दीपक से दूर हो जाए। देवी, तुम्हारे मनुष्य लोक में जाने से मनुष्य लोक का कल्याण होगा। कल्याण? मैं नहीं समझी। मैं सब कुछ समझा दूंगा, मैं भी उस समय आंखें बंद के यही सोच रहा था। लेकिन बात क्या है प्रभु? बात? गुरुदेव, ये क्या बात है कि धरती में दरारें पड़ गई हैं, वनस्पतियों का कष्ट जाता रहा है, नदियों का पानी सूखता जा रहा है, हिमालय से जड़ी बूटियां अदृश्य हो गई हैं, इसका क्या कारण है? कारण? पृथ्वी का सारा सुख और सौभाग्य पाताल में चला गया इंद्र। दानवराज अरिष्टदेवी ने हिमालय की सारी वनस्पतियां समुद्र में डालकर नष्ट कर दी, जिससे भूलोक की बीमारियां बढ़ गई हैं, नदियों का पानी निरस हो गया है, पृथ्वी में डाले हुए बीज सूख जाते हैं, ना फूल खिलते हैं और ना फल पकते हैं। गुरुदेव, तब तो वहां सब लोग भूखे मरते होंगे। पर इसका उपाय? इसका यही उपाय है कि तुम्हारा जन्म मनुष्य लोक में हो, तुम्हारे चरण पृथ्वी पर पड़ते ही भूलोक की लुटी हुई संपत्ति फिर से लौट आएगी। लोक कल्याण के लिए आपकी आज्ञा मानी ही होगी प्रभु, लेकिन दासी को बहुत जल्द बुला लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि। चिंता ना करो देव, तुम मेरी शक्ति हो जो मुझसे कभी अलग नहीं होगी। तुम जाओ और महर्षि भृगु के यहाँ जन्म लो।
महर्षि महर्षि, क्या है सुमित्रा? बड़ा शुभ समाचार है, कन्या का जन्म हुआ। अच्छा, तब तो मेरे घर लक्ष्मी आई, ये तो बहुत आनंद की बात। चल चल उसे देखूं, ये सब ईश्वर की कृपा। जय नारायण, जय नारायण नारायण नारायण, जय नारायण, जय नारायण नारायण नारायण, जय नारायण है सबसे प्यारा यही भजन। जय नारायण, जय नारायण नारायण नारायण, जय नारायण। शिव ने इसकी महिमा जानी, वेदों की यही अमर बानी। शिव ने इसकी महिमा जानी, वेदों की यही अमर बानी है यही नाम निर्धन का धन। जय नारायण, जय नारायण नारायण नारायण, जय नारायण, जय नारायण नारायण नारायण, जय नारायण। रसातल के स्वामी राजा अरिष्टनिमी की। कहिए, आज रसातल में कैसे भूल पड़े? क्या बताऊं राक्षस राज, यूं ही घूमता हुआ चला आया। लेकिन तुम्हारे मुखमंडल पर उदासी क्यों छाई हुई है? क्या करूं अरिष्ट नेमी, न अब मेरा मन विष्णु लोक में लगता है, न स्वर्ग लोक में, न भूलोक में। क्यों भला, क्या हो गया है तुम्हें? क्या कहूं, कैसे कहूं, किससे कहूं नारायण नारायण। नारद जी, सीधी बात कहो तो कुछ समझ में आए। तो सुनो, जब से लक्ष्मी देवी विष्णु लोक से गायब हो गई है, तब से संसार की सारी शोभा नष्ट हो गई है। क्या कहा, लक्ष्मी गायब हो गई है? यही तो। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई है तुमने मुनिराज। अच्छी खबर? अच्छा, जाने भी दो। हाँ मुनिराज, ये तो बताइए कि लक्ष्मी इस समय है कहाँ? राक्षस राज, लक्ष्मी देवी का पता मालूम होता तो यहाँ तक ढूंढने ही क्यों आता, मैं भी तो उन्हीं को खोजता हुआ घूम रहा हूँ। तो क्या तुम्हें भी वैराग छोड़कर ग्रस्त बनने का शौक चढ़ रहा है? नारद और ग्रस्त, नारायण नारायण। राक्षस राज, मैं तो इसलिए खोज रहा हूँ देवी को समझा बुझा कर नारायण से मिला दो। देखो मुनिराज, अगर तुम्हें अपनी महती वीणा साबित रखनी है तो लक्ष्मी नारायण के झमेले में पड़ना नहीं। क्यों? क्यों क्या, संसार में दो ही ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें पाकर दो व्यक्ति त्रिलोकी पर छाए हुए हैं, एक लक्ष्मी और दूसरी पार्वती। लक्ष्मी को पाकर विष्णु और पार्वती को पाकर शंकर। आज अच्छा मौका हाथ आया है, मैं लक्ष्मी को विष्णु से मिलने ही न दूंगा। और नारद जी, तुमने बीच में कुछ गड़बड़ की तो तुमको भी। नारायण नारायण, भला मैं क्यों गड़बड़ करने लगा? नहीं नहीं राक्षस राज, मुझ पर तो दया ही करो, मैं तंबूरा बजाने वाला साधु भला।
इसीलिए तो कहता हूँ कि तुम मेरे बीच में ना आओ। लक्ष्मी पर मैं अपना अधिकार जमाऊंगा। नारायण नारायण, तब तो तुम विष्णु भगवान की तरफ पूज्य हो जाओगे। हाँ, परंतु राक्षसराज, लक्ष्मी देवी का पता लगाना मुझे ही कठिन हो रहा है, तुम्हें कैसे लगेगा? मुनिराज, अरिष्ट नेमी कोई ऐसी वैसी मामूली हस्ती नहीं। लक्ष्मी का पता लगाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। नारायण नारायण, तुम ये जानकर क्या करोगी कि लक्ष्मी देवी इस समय कहाँ है? कुछ भी हो, आपको ये बताना ही होगा। अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं ये समझूंगी कि आप अदिति के बेटे इंद्र और देवताओं को मेरे बेटों से ज्यादा चाहते हैं। ओह, स्त्री हट भी कितनी बुरी चीज है। अगर तुम्हारी यही हट है तो बताता हूँ, लक्ष्मी देवी ने भृगु ऋषि के यहाँ उनकी कन्या के रूप में जन्म लिया है और माता पिता ने उनका नाम भुवन मोहिनी रखा है। भुवन मोहिनी? मगर सुनो, अपने बेटे को समझा देना कि वो उनसे दूर ही रहे। कारण? कारण जानकर क्या करोगी, इतना ही कह देता हूँ कि वो एक ऐसी शक्ति है जिससे दूर ही रहना अच्छा है। अच्छा, तो मैं चलता हूँ गंधमादन पर। माँ, आज तुमने मेरे लिए बहुत बड़ा काम किया। लेकिन बेटा, महर्षि ने जो कुछ कहा है उसे ख्याल में रखना। तुम निश्चिंत रहो माँ, लक्ष्मी को अपनी बनाने के लिए मैं बल, शक्ति, पराक्रम, माया किसी का उपयोग नहीं करूंगा। तो फिर? मैं उसके पिता महर्षि भगु से ही उनकी कन्या की याचना करूंगा। वो बेचारे क्या जाने कि ये लक्ष्मी का अवतार है, उन्हें तो अपनी कन्या किसी ने किसी को देनी ही होगी। तो तुम जानो और तुम्हारा काम। भुवन मोहिनी, आज अचानक जाग उठे क्यों इन होठों पर गी, चंचल होकर भी कैसे जान गई अखियां शर्माने की री, धीरे धीरे गोरी तेरा बचपन रहा है बीत। अरे बीत रहा नहीं, बीत गया। तेरा बचपन गया है बीत, तेरा बचपन गया है बीत, आए दिन सज धज के चलो रे जरा बच के, हो गोरी जरा बच के, बच के जरा बच के, हाय रे जरा बच के। तेरा बचपन गया है भी, तेरा बचपन गया है भी, हाय रे दिन सज धज के चलो रे जरा बच के, हो गोरी जरा बच के, बच के जरा बच के, हाय रे जरा बच के। भाई अखिया कजर बिनकारी, रस के पिचकारी, रस के पिचकारी, भाई अखिया कजर बिनकारी, रस के पिचकारी, रस के पिचकारी, गोर चलते हो चंचल चाल, बड़ी मतवारी, बड़ी मतवारी, गोर चलते हो चंचल चाल, बड़ी मतवारी, बड़ी मतवारी, तोरी पतली कमरिया न लचके, तोरी पतली कमरिया न लचके, चलो रे जरा बच के, हो गोरी जरा बच के, बच के जरा बच के, हाय रे जरा बच के। नहीं हमको सताओ, बनाओ जाओ मत धूम मचाओ, नहीं हमको सताओ, बनाओ जाओ मत धूम मचाओ, चलो रे जरा बच के, हो गोरी जरा बच के, बच के जरा बच के, हाय रे जरा बच के। तेरा बचपन गया है भी, तेरा बचपन गया है भी, हाय रे दिन सज धज के चलो रे जरा बच के, हो गोरी जरा बच के, बच के जरा बच के, हाय रे जरा बच के।
वो देखो कहाँ है? भुवन मोहिनी, मुझे जानती हो? इधर उधर भाग रहे थे। डर? कैसा डर? कैसा डर? अरे हमने समझा कि हमारी सखी को कोई उठा तो नहीं ले गया। लो भला मुझे कौन उठा ले जाएगा? क्या पता बहन, ये रूप, ये जवानी, ये भाव, ये मुस्कान, ये पिछली, एक बार शंकर भी देखे तो उनका भी आसन हिल जाए, और अगर इंद्र देखे तो स्वर्ग के सारे अप्सराओं को भूल जाए। चल हट। सुंदर, सुंदर, अति सुंदर। जानते हो ये कौन है? कौन है देवगुरु? महर्षि भृग की कन्या भुवन मोहिनी, जिसका जन्म होते ही धरातल की काया ही बदल गई। कितनी सुंदरता, जैसे कि विश्व की सारी सुंदरता ने मनुष्य के रूप में जन्म लिया हो। अवश्य, ऐसा मालूम होता है कि 16 कला से पूर्ण चंद्रमा पृथ्वी पर घूम रहा है। अनिल, फिर बकबक क्या करूं? देव गुरु ने सारी विद्या आप ही को सिखा दी, और मेरे लिए सिवा बकबक के और है ही क्या। सच मानो बहन, जब मैं खुद तुम्हें देखती हूँ तो जी जाता है। क्या? काश मैं पुरुष होती तो क्या होता? चट से ब्याह कर ले। चल हट, हमारी लाडली का ब्याह तो उससे होगा जो संसार में सबसे बड़ा और ज्यादा सुंदर है। सबसे सुंदर तो इंद्रदेव है। इंद्रदेव से तो महादेव कितने अच्छे हैं। महादेव से तो विष्णु कहीं अच्छे हैं।
जगत के पालनहार, शंख चक्र गदा पद्मधारी कुछ भी कहो, भुवन मोहिनी अब सियानी हो गई है। ठीक है, लेकिन जैसी लड़की है वैसा वर भी तो मिले। तो क्या देव दानव यक्ष किन्नर ऋषि मुनि सब मर गए? देवी तुम भी बहुत भोली। नारायण नारायण। पर हरि मुनिराज कल्याण, आप भी ठीक समय पर आए। नारद तो ठीक समय पर ही आता है महर्षि। बिराजी नारायण नारायण। देवर्षि, भुवन मोहिनी ब्याह के योग्य हो गई है और आपको उसके लिए त्रिलोकी में कोई वरी नहीं मिलता। नारायण नारायण। परंतु देवी, महर्षि बेचारे क्या करे, भुवन मोहिनी जैसी कन्या के लिए वर मिलना बहुत मुश्किल। लो आप भी यही कहने लगे, तो क्या भुवन कुमारी ही रहेगी? नारायण नारायण, ये मैंने कब कहा। तो फिर कोई उपाय तो बताइए। मेरी तो राय है कि ये बात भुवन मोहिनी पर ही क्यों न छोड़ दी जाए, वो जिसे पसंद करे उसी को कन्या दे दी जाए। मुझे स्वीकार है मुनिराज। लेकिन पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। जो नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी न हो। नारायण नारायण, क्या बात सुनाई है आपने। लेकिन मेरी बेटी क्या जाने कि संसार में कौन कौन ऐसे महापुरुष हैं। इसकी चिंता न करो पत्रे, मैं आज ही रात को योग बल से भुवन मोहिनी को सारे संसार के महापुरुषों को दिखा दूंगा। संसार के महापुरुष? सबसे पहले मैं तुम्हें देवराज इंद्र के पास लिए चलता हूं। ये हैं देवराज इंद्र। स्वर्ग के स्वामी, देवलोक के सारे देवता इनकी पूजा करते हैं। ये हैं कैलाश पति भूत भवन भगवान शंकर। रसातल के राजा अरिष्ट ने वर्तमान समय का सबसे बड़ा बलि यह है लक्ष्मीपति, त्रिलोकी के पालनहार भगवान विष्णु। Thank you.
क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? कुछ नहीं माँ। क्या मेरी बेटी ने कुछ भयंकर सपना देखा? सपना? हाँ माँ, परंतु भयंकर नहीं, सुंदर। क्या है बात? मैंने देखी है एक ऐसी सुंदर नारी जिसे देखकर विश्व की सारी सुंदरता शर्म से सिर झुका ले। ए? क्या कहते हैं, कौन है वो? न जाने कौन थी, मगर उसे भृगु ऋषि के आश्रम में देखा था और एक बार फिर देखना चाहते हैं। अवश्य अवश्य, पर मैं भी साथ चलूंगा। क्यों? देखना चाहता हूं कि कौन है वो सुंदरी जिसने देवराज इंद्र के मन को डावाडोल कर दिया। तुम देखोगे तो छक रह जाओगे। हो सकता है। फिर क्या हुआ? खोई थी जब अपनी धुन में, पहुंच गई मैं दूर गगन में, दूर गगन में। वहां चांद तारों की टोली खेल रही थी, आँख मिचोली खेल रही थी, आँख मिचोली। तब क्या देखा? जब किरणों के रूप में हंसी चांदनी रात, कहा चंद्रमा ने तभी उससे इतनी बात। क्या? कुछ प्यार लिए जाओ, कुछ प्यार दिए जाओ, हंस हंस के जिए जाओ, गोरी प्यार किए जाओ, हंस हंस के जिए जाओ, गोरी प्यार किए जाओ, कुछ प्यार लिए जाओ, कुछ प्यार दिए जाओ, हंस हंस के जिए जाओ, गोरी प्यार किए जाओ।
क्या? कुछ प्यार लिए जाओ, कुछ प्यार दिए जाओ, हंस हंस के जिए जाओ, गोरी प्यार किए जाओ, हंस हंस के जिए जाओ, गोरी प्यार किए जाओ, कुछ प्यार लिए जाओ, कुछ प्यार दिए जाओ, हंस हंस के जिए जाओ, गोरी प्यार किए जाओ। ऋतु की रानी सज कर आज बसंती वे गुप चुप दे रही मुझे नया संदेश। क्या? कुछ प्यार लिए जाओ, कुछ प्यार दिए जाओ, हंस हंस के जिए जाओ, गोरी प्यार किए जाओ, हंस हंस के जिए जाओ, गोरी प्यार किए जाओ, कुछ प्यार लिए जाओ, कुछ प्यार दिए जाओ, हंस हंस के जिए जाओ, गोरी प्यार किए जाओ। ये तुम क्या देख रहे हो? मैं आप ही को देख रहा हूं महाराज। देखते नहीं आंखें फूट गई क्या? शांत रहो सुंदरी, शांत रहो। वैसे तो मैं अंधा नहीं हूं, पर तुम्हारे रूप की ज्योति ने मुझे अंधा कर दिया। चुप रह निर्लज्ज, ये लंगूर जैसा मुंह लेकर ऐसी बातें करते लज्जा नहीं आती? मैं बहुत लज्जित हूँ देवी, क्षमा चाहता हूँ। चली गई, चली गई। अगर इंद्र भुवन मोहिनी को ले गया तो मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हाँ डरो नहीं भद्रे, मैं हूँ देवराज इंद्र। ओ, देवराज इंद्र। हाँ, ठहरो। क्यों? मैं तुम्हें ही देखने के लिए आया हूँ भुवन। मैं तुम्हें अपनी इंद्राणी बनाना चाहता हूँ। क्यों भला? इसलिए कि मैं तुम्हें देखकर अपने आप को खो बैठा हूँ। ये तो बड़ी बुरी बात हुई। फिर तो आप ये भी भूल गए होंगे कि आप देवराज इंद्र हैं। सुंदरता के सामने अधिकार को सिर झुकाना ही होता है देवी। मैं तुमसे प्रेम की भीख मांगने आया हूँ। प्रेम की भीख? और मुझसे? इतने बड़े देवराज होकर आप ये भी नहीं जानते कि कुंवारी कन्या के पास प्रेम होता है कहाँ है जो वो दे सके? और प्रेम का उदय तो विवाह के बाद होता है। तो विवाह होते कितनी देर लगती है? तब तो शायद आप ये भी भूल गए कि ये देवलोक नहीं भूलोक है, और यहाँ आचार नीति परंपरा सभी का ख्याल रखना पड़ता है। मैं नहीं समझा। देवराज, विवाह का स्वीकार करना या ना करना माता पिता के हाथ है, कन्या के नहीं। तो मैं अभी महर्षि के पास जाता हूँ। पुरंदर की मांग को ठुकराने का साहस वो नहीं कर सकते। आए बड़े दानव राज अरिष्ट, मैं तुम्हारी मांग अवश्य पूरी करता, परंतु। परंतु क्या महर्षि? मैंने अपनी कन्या का भविष्य उसकी इच्छा पर छोड़ दिया है। आपकी कन्या के भविष्य का निर्णय हो चुका, मैंने उसे पसंद कर लिया है। देवराज इंद्र, क्या कह रहे हो? पुरंदर। अच्छा, तो आप भी भुवन मोहिनी के लिए पधारे हैं? क्यों नहीं, जब तुम यहां आ सकते हो तो मैं क्यों नहीं आ सकता। निश्चय ठीक तो है देवराज, आखिर दोनों एक ही पिता की संतान तो हो। लेकिन मैं स्वर्ग का राजा हूं। मैं भी रसातल का स्वामी हूं। जो कुछ भी हो, भुवन मोहिनी तुम्हें कदापि नहीं मिल सकती। अगर मुझे नहीं मिलेगी तो तुम्हें भी नहीं मिल सकती। अरिष्ट, पुरंदर। अरे अरे, तुम दोनों भाई भाई होकर आपस में क्यों झगड़ते हो? अगर किसी ने भी मेरी कन्या की इच्छा के विरुद्ध कुछ भी कहा तो बुरा होगा। बुरा होगा और किसी का, मेरा नहीं। भूलो मत कि त्रिलोकी का स्वामी लोकपाल दिक्पाल सब मेरे इशारे पर नाचते हैं। भुवन मोहिनी या तो इंद्राणी बनेगी या जन भर कुंवारी रहेगी। तो मैं जन भर कुंवारी ही रहूंगी, मगर तुम जैसे पापी की ओर आंख उठाकर भी ना देखूंगी। मैं पापी? पापी नहीं तो और क्या,
शची जैसी सुंदर इंद्राणी के होते हुए भी विलास और सुख भोग के लिए दूसरी स्त्री पर बुरी दृष्टि डालने वाला पापी नहीं तो और कौन हो सकता है? क्यों खाई ने मुंह की? ब्राह्मण कन्या का हरण करके सारी ब्राह्मण जाति का अपमान किया है, अपने अभिमान में आकर उसी के सीने पर लात मारी है। ले, ये वेद-वेदता ब्राह्मण तुझे श्राप देता है, तेरा सिंहासन, तेरा गौरव, तेरा मत सब कुछ धूल में मिल जाएगा। खैर जा, कायरों की तरह भागता कहाँ है? इंद्र की सखी? आ नहीं नहीं, तू सखी मैं सखा, तू सखी मैं सखा, तू सखी मैं सखा। अरे ललिता को कोई खा लेगा, भागो भागो दौड़ो दौड़ो। इंद्र की गदा से, देवराज इंद्र की गदा और उससे इसकी यह हालत। ये तो मैं भी कहता हूं नारायण नारायण। देवी जल्दी कोई उपाय करो, चोट बहुत करारी है, कहीं ऐसा ना हो ऐसा बलवान वीर पुत्र बात बात में हाथ हो। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मुझे विश्वास है, मुझे अपने स्वामी पर विश्वास है। उन्होंने इसे जन्म के समय आशीर्वाद दिया था, ये बालक अजय है, इसकी मृत्यु ब्रह्मा देव के सिवा और किसी से नहीं हो सकती, इसीलिए तो मैं इसे ब्राह्मणों के कोप से दूर रखती हूँ। उठो उठो बेटा अरिष्ट, हे जगत माता, अगर मैंने अपने जीवन में कभी किसी तपस्वी ब्राह्मण का अपमान न किया हो और सदा सत्य का पालन किया हो तो मेरे पुत्र का दुख भी दूर हो जाए। उठो उठो बेटा, उठो बेटा,
तुम्हारे शत्रु हंस रहे हैं, तुम्हारी भी माता दीदी आज अपने घर में घी के दिए जला रहे हैं, उन्हें खुश होने का मौका ना दो बेटा। उठो उठो बेटा, उठो बेटा, देखो तुम्हें तुम्हारी माँ बुला रही है। बेटा लाल उठो, उठो बेटा। जय लक्ष्मी नारायण। मैं यहाँ माँ देवर्षि, मैं तो इंद्र से युद्ध कर रहा था। हाँ, मगर वो तुम्हें घायल करके स्वर्ग चला गया। स्वर्ग चला गया? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं स्वर्ग पर चढ़ाई करूंगा। मगर स्वर्ग पर चढ़ाई करने से पहले यह तो सोच लो, तुम्हारा शत्रु कोई मामूली देवता नहीं, देवराज इंद्र है, जिसकी पीठ पर देवगुरु बृहस्पति का हाथ, संसार के ऋषि मुनियों की तपस्या और भगवान विष्णु की कृपा है। हुआ करे, जो कुछ होगा देखा जाएगा। ठहरो बेटा, देवर्षि ने जो कुछ कहा है वो ठीक है। युद्ध केवल हथियारों से नहीं जीते जाते। अगर तुम्हें इंद्र पर विजय पानी है तो मैं कहती हूँ वैसा करो। आज्ञा। यज्ञ। यज्ञ? हाँ, यज्ञ और तप यही संसार में सबसे बड़ी शक्ति है। इसी के आधार पर तुम इंद्र पर विजय पा सकोगे। चलो, ये भी अच्छा ही हुआ कि इंद्र ने भृगु जैसे तपस्वी का अपराध किया। नारायण, ललिते मेरी मनोव्यथा का कुछ तो उपाय सोचो। हाय हाय, अरे जरा तो समझो। ललिते, तुम्हें मृत्यु लोक से हमारा स्वर्गलोक कैसा लगा? स्वर्गलोक? छी, जैसे कि चिड़ियाघर। चिड़ियाघर? चिड़ियाघर? देवताओं की स्वर्ण भूमि को चिड़ियाघर कहती हो? हाँ। और नहीं तो क्या, जहाँ के पुरुष डरपोक और कायर हो वो स्थल। बस करो ललिते, तो क्या तुम मुझे कायर समझती हो? अवश्य, नहीं तो मुझ जैसे अबला को यूं बांध कर नहीं रखते। भूलती हो भद्रे, ये तो प्रेम बंधन है, और अगर तुम चाहो तो मैं अभी तुम्हें बंधन मुक्त किए देता हूँ। ये लो। अनिल। हाय अनिल, अनिल, ललिते तुम बंधन मुक्त होकर मुझे बंधन में बांध गई। अरे चली गई ललिते, 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 मेरी स्वप्न सुंदरी, तू इतनी कठोर क्यों है? क्योंकि पुरुषों के वचन का मुझे कोई विश्वास नहीं। हे ईश्वर, तूने मुझे पुरुष क्यों बनाया? यूं सर पिटने से मुझ पर कोई असर नहीं होगा। कोई असर नहीं होगा? परंतु मैं तो अपना तन मन धन सब कुछ लुटा चुका हूँ देवी। अब केवल पागल होना बाकी है। वो तो तुमने पहले ही बना दिया है, हृदय को लुभाकर मन को लुटाकर। मन को लुटा के ए जी बड़ा कठिन है, होना 9, 2, 11 और प्यार का दाव, जीत के गोरी करूंगा मैं बब्बारा। चाहे लागे तेरी हाय, चाहे जान चली रे जाए, चाहे लागे तेरी हाय, चाहे जान चली रे जाए। मन को लुटा के बड़ा कठिन है, होना 9, 2, 11 प्यार का दाव, जीत कर गोरी करूंगा मैं पब्बारा। चाहे लागे तेरी हाय, चाहे जान चली रे जाए, चाहे लागे तेरी हाय, चाहे जान चली रे जाए। ओ घन चक्र सड़ियल छप्पल सुन ले, ओ घन चक्र सड़ियल छप्पल सुन ले, कहना मेरा तू कौड़ी का तीन, यहाँ पर नहीं ठिकाना तेरा। चाहे लागे तेरी हाय, चाहे जान चली रे जाए, चाहे लागे तेरी हाय, चाहे जान चली रे जाए।
मैं नहीं हूँ ऐसा वैसा, मैं सब जानू तू कैसा। तू अभी अभी है आई, तू क्या जाने मेरी बड़ाई। तेरी सूरत बंदर जैसी, तेरी नाक छछुंदर जैसी। मानो सचिए मेरी बानी, भरे इंद्राणी घर में पानी। बुद्धू राजा बुद्धू राजा, बंद करो ये गप्पों की पंचर की। गाल बजाने से न होएगी बात, प्रेम की पक्की। चाहे लागे तेरी हाय, चाहे जाम चली रे जाए। चाहे लागे तेरी हाय, चाहे जाम चली रे जाए। देवलोक में तुझको लाया, और मिट्टी से रतन बनाया। ना चाहूँ मैं स्वर्ग की माया, भली मुझे मिट्टी की काया। जो न सुने तू मेरा कहना, हाथ मले पछताए। हर जग में बुरी कही जाती है, किसी दुखी की हाय। चाहे लागे तेरी हाय, चाहे जान चली रे जाए। चाहे लागे तेरी हाय, चाहे जान चली रे जाए। मैं इंद्र कुमार भगाऊं, और इंद्राणी तुझे बनाऊं। अच्छा हाँ, तेरे एक इशारे पर इंद्राणी तुझे बनाऊं। जो बात ये सच है तेरी, मिल गई जोड़ी तेरी मेरी। तू नदी की चंचल धारा, जिसमें बीते जीवन सारा। ओ लहरों के प्रेमी राजा, ओ लहरों के प्रेमी राजा, जा लहरों के संग। ओ चटकीली छवल छबीली, करम मिलन मत भंग। चाहे लागे तेरी हवा, कि चाहे जवान चली रे जवान। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम सब चली जाओ यहाँ से। देवी, आखिर आपको कौन सा दुख है ऐसा, जो सारे सुखों को आप यूं ठुकरा रही हो। मुझे कोई सुख नहीं चाहिए, तुम लोग चली जाओ यहाँ से। जाओ! आंखें ये रो रही है,
अब रुलाओ, मुझको न अब रुलाओ, ओ भूल जाने वाले आओ दर्स दिखाओ, आओ दर्स दिखाओ। रोने से क्या होगा भुवन, हिम्मत से काम ले, धीरज रखो। कैसे धीरज रखो, बेटा दीपक किसी खाते खेलने की कोशिश ना करो वरना जल जाओगी। मुझे अपनी शक्ति पर पूरा भरोसा है माँ। एक अबला पर अत्याचार करना तुम जैसे शक्तिशाली को शोभा नहीं देता। देव माता सच कह रही है, ये तुमने अच्छा नहीं किया देवराज। तुम बल पर भरोसा है परंतु शास्त्र पर इससे भी बड़ा है। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, भुवन मोहिनी को वापिस उसके पिता के पास भेज दो। वापिस भेज दूं क्यों? इसका तो ये मतलब हुआ कि देवराज इंद्र का मस्तक एक भिखारी ब्राह्मण के आगे झुक जाए। भिखारी ब्राह्मण? इंद्र, ये मत भूलो मैं भी ब्राह्मण हूं। यदि मैं तुम्हारा पुरोहित ना होता तो तुम्हारे इस इंद्रासन से तुम नहीं तो दानव बैठा होता। तो स्वर्ग की शान शोभा फल वैभव ये सब आपकी वजह से है। अच्छा अगर ये बात है तो आप इस समय स्वर्ग से चले जाइए, छोड़ दीजिए देवताओं के पुरोहित पद को। देखता हूँ कि आपके जाने के बाद स्वर्ग पर अधिकार जमाता है। इंद्र, मैंने कुछ भी कहा था तुम्हारी भलाई के लिए कहा था, परंतु इस समय तुम्हारे सब वासना आरोपी मान भूल सवार है। मैं तुम्हारे आदेश के अनुसार सब छोड़कर जा रहा हूँ। भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे। ये तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया, तुमने क्या किया? कुछ नहीं माँ, जो कुछ भी हुआ है ठीक हुआ है। अनर्थ हो रहा है, इंद्र की मत भ्रष्ट हो गई है, वो भुवन कुमारी को जबरदस्ती अपनी बनाना चाहता है। नारायण नारायण, और उधर अरिष्टलेनी स्वर्ग को जीतने के लिए महर्षि भृगु को पुरोहित बनाकर यज्ञ कर रहा है। क्या कह रहे हैं आप, राक्षस और यज्ञ कर रहे हैं? यज्ञ ही नहीं देवी, अब तो राक्षस इतने बदल गए हैं कि कुछ न पूछो। वो ब्राह्मणों को सताने के बजाय उनकी पूजा करते हैं और ऋषियों का सम्मान करते हैं। इतना परिवर्तन। ओम गणान स्वा गणपते नमामि कविनां बोलो अरिष्टनेमी, क्या चाहते हो? ये यज्ञ की पूर्णा होति जिस इच्छा से पूर्णा होति दी जाएगी वह इच्छा अवश्य पूरी होगी। बोलो क्या कामना है? मैं इंद्र पर राक्षसों की विजय और इंद्रासन चाहता हूँ। तथास्तु, ये लो श्रीफल। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा। घबराओ नहीं, मैं वत्रासुर हूं। बोलो अरिष्टनेमी, मैं तुम्हारी कौन सी इच्छा पूरी करूं?
यज्ञ के वेदी से मेरा जन्म हुआ है, तुम कहो तो त्रिलोकी को अपने पैरों से रौंदकर धूल में मिला दूं, सागर को इन हाथों से उलझकर सुखा दूं, पृथ्वी को उठाकर आसमान पर रख दूं। बोलो क्या चाहते हो? इंद्रादिक देवताओं को जीतकर राक्षसों को स्वर्ग लोक दिला दो, स्वर्ग पर मैं अपना अधिकार चाहता हूं। तो जाओ युद्ध की तैयारी करो। हमारा गीत हो, दानवों की जीत हो, यही हमारा गीत हो। बादलों से छीन छीन बिजलियां गिराए हम, बिजलियां गिराए हम, आंधियों सा घूम घूम कर प्रलय मचाए हम। कौन है जो आके आज हमसे बल दिखा सके, हमसे बल दिखा सके, का बजा विजय का स्वर्ग लोक को हिलाए हम, लोक को हिलाए हम। मिलके सब ये गाए हम, दानवों की जीत हो, मिलके सब ये गाए हम, दानवों की जीत हो, दानवों की जीत हो, यही हमारा गीत हो, दानवों की जीत हो, यही हमारा गीत हो। बन के अग्नि ज्वाल अग्नि देव को जलाए हम, अग्नि देव को जलाए हम, बन समुद्र की लहर वरुण को भी बहाए हम, बन प्रचंड शक्ति आदि इंद्र को हराए हम, इंद्र को हराए हम, कुबेर सूर्य चंद्र सबको धूल में मिलाए हम, धूल में मिलाए हम। मिलके सब ये गाए हम, दानवों की जीत हो, मिलके सब ये गाए हम, दानवों की जीत हो, दानवों की जीत हो, यही हमारा गीत हो, दानवों की जीत हो, जीत हो, जीत हो, जीत हो। महाराज की जय हो। क्या है सैनिक? वृत्रासुर की सहायता से अरिष्ट ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी है महाराज। वृत्रासुर? दानव स्वर्ग की सीमा पर आ गए महाराज। महाराज स्वर्ग की सीमा पर चढ़ाई कर दी है, यही ना? तो तुम लोग कायरों की तरह यहाँ भाग करके आए हो, जाओ युद्ध की तैयारी करो। अरिष्ट, तेरी मृत्यु तुझे स्वर्ग की सीमा तक खींच लाई है, तू अपनी आसुरी शक्ति से इंद्र को कभी नहीं जीत सकता। स्वर्ग के सुख के अधिकारी हम भी हैं, आज तक तो अपनी मनमानी करता रहा, अब वो अधिकार हम छीन लेंगे। सैनिको देखते क्या हो, टूट पड़ो अपनी देवी शक्ति से। Oh,
नारायण नारायण, तुम कौन हो और ये तुम्हारे पास क्या है? मैं एक जीवित प्राणी हूँ और ये मेरे बचाव का साधन। तो क्या कोई माया विशस्त्र है? हाँ, इससे देव दानव तो क्या स्वयं शिव शंभु भी पराजित हो जाते हैं। तब तो तुम्हारा नाश करना ही होगा। नारायण नारायण, अरे भाई मैं ब्राह्मण हूँ, संसार में मुझे सब नारद कहते हैं। ब्राह्मण? नारायण नारायण, क्षमा कीजिए मुनिराज। जाता है कौन है तू? मैं तो ब्राह्मण हूं महाराज, ब्राह्मण। ब्राह्मण देखते नहीं यह युद्ध चल रहा है? अच्छा जाओ। भुवन मेरी सखी ललिता, कुछ सुना तुमने? देवराज इंद्र की पराजय हो गई, तुम मुक्त हो गए। सच भगवान, तुमने मेरी पुकार सुन ली? पुकार कहाँ सुनी है देवी, अब तो आप और भी संकट में पड़ गई। तुम अभी तक बचे हुए हो, अब और क्या दुख देने आए हो? तुम्हें किसने कहा था बोलने के लिए, टपक पड़े बीच में? अरे तो क्या मैं झूठ कह रहा हूँ? अब स्वर्ग पे अरिष्ट नेमी का राज हो गया है और वो भुवन मोहिनी से विवाह करके इन्हें स्वर्ग की रानी बनाएगा। रानी? अब विवाह? तुम चुप रहते हो या नहीं? रहते हैं। वाह, सच बात कहने में क्या डर, अरिष्ट नेमी अभी यहाँ आता ही होगा। अरिष्ट नेमी आता होगा? Thank you.
नारायण नारायण। बालिकाएं संग में इन्हें रंग लो यहाँ के नए रंग में, इन्हें रंग लो यहाँ के नए रंग में। सेनापति। आज्ञा महाराज। देवलोक छोड़कर भागने वाले कायर देवताओं को खोज खोज कर लाना तुम्हारा काम है, और देखो उनकी स्त्रियां दानवों को बांट दो। दानवराज, ये काम धर्म और नीति के विरुद्ध है। भूलते हो अरिष्ट नेमी, तुम देवताओं की चल अचल संपत्ति पर अधिकार कर सकते हो, पर उनके स्त्रियों पर नहीं। लेकिन 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 कुछ नहीं, तुम इस समय पृथ्वी आकाश और स्वर्ग के राजा हो। तुम्हें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे दानव कुल का मस्तक लज्ज से झुक जाए। तो फिर ऐसा ही होगा। सेनापति, देवांगनाओं को छोड़ दो, उनमें से जो यहाँ रहना चाहे उन्हें आदर के साथ रखो, और अपनी सेना से कह दो कि कोई तपस्वियों के यज्ञ में बाधा न डाले। अपने अपने धर्म का पालन करने की सबको पूरी स्वतंत्रता है। जो आज्ञा महाराज। यही होना चाहिए दानव सम्राट, अरिष्ट नेमी के राज्य में सबको न्याय मिलना चाहिए। अवश्य, मुझे भी न्याय मिलना चाहिए। महर्षि प्रभु, पधारिए पधारिए। कल्याण हो। कहिए क्या आज्ञा है। मैं केवल तुमसे यही कहने आया हूँ कि मेरी कन्या भुवन मोहनी, जिसे इंद्र हरण करके लाया है, वो मुझे मिलनी चाहिए। लेकिन वो तो यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ है। नारायण नारायण। चिंता न करो महर्षि, तुम्हारी कन्या भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही है। अच्छा, ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है मुनिराज। किंतु वह है कहाँ। समुद्र के किनारे, संसार से दूर, सब तरफ से अपने मन को खींचकर नारायण के चरणों में लगा रखा है उसने। उसकी ये घोर तपस्या तब तक चलती रहेगी जब तक नारायण प्रसन्न होकर उसे स्वीकार न करेंगे। ये सब तो ठीक है मुनिराज, किंतु मैं उसे अपनी आंखों से एक बार देखना चाहता हूँ। पधारिए। चलिए।
भगवान विष्णु के पास, किंतु मैं तो उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था। क्या कहा, आग से खेलना चाहते हो? दानवराज, मोहिनी का ख्याल छोड़ दीजिए, मोहिनी अब तपस्विनी है। गई बिरह की रात, आया है नया प्रभात, चले आओ पिया हमरी नगरिया में, चले आओ पिया हमरी नगरिया में। गई बिरह की रात, आया है नया प्रभात, चले आओ पिया हमरी नगरिया में, चले आओ पिया हमरी नगरिया में। लेके मिलन संदेशा आई घट घन घोर, घट घन घोर। लेके मिलन संदेशा आई घट घन घोर, चुम छन न चुम, नच मन मोर, नच मन मोर। छुम छनन छनन छुम, नच मन मोर, नच मन मोर। अति मुखड़ा दिखाओ भोला मन समझाओ, पिया चम 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 को बिजुरिया में, चम 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 को बिजुरिया में। गई बिरह की रात, आया है नया प्रभात, चले आओ पिया हमरी नगरिया में, चले आओ पिया हमरी नगरिया में। अधूरों की मीठी मुस्कान बनो, मुस्कान बनो। आओ अधूरों की मीठी मुस्कान बनो, आओ तन में समाओ पिया प्राण बनो, हो पिया प्राण बनो। आओ तन में समाओ पिया प्राण बनो, हो पिया प्राण बनो। फूल मंदिर का द्वार लिए फूलन का हार, हाय थक गई तुम्हारी नगरिया में, थक गई तुम्हारी नगरिया में। बिरह की रात, आया है नया प्रभात, चले आओ पिया हमरी नगरिया में, चले आओ पिया हमरी नगरिया में। आओ जीवन में आज सुख चैन भरो, आओ दुखिया जिया के दुख तपन हरो। आओ सपने सुहाने आज पूरन करो, महामुनि, इस तरह की हलचलें तो त्रिलोकी में होनी ही चाहिए। इन्हीं हलचलों में तो महापुरुषों के जन्म होते हैं। आकाश में जब तक हलचल नहीं होती, तब तक मेघ नहीं बरसते। समुद्र में जब तक तूफान नहीं आता, तब तक उसके किनारे पर मोती नहीं पाए जाते। लेकिन भगवान, ये समझ में नहीं आता, राक्षसों के स्वभाव कैसे बदल गए, उनकी भावनाएं क्यों बदल गई? वृत्रासुर के प्रभाव से और ब्रह्म तेज से। लेकिन भगवान, वत्रासुर भी तो राक्षस है। वह राक्षस होते हुए भी ब्रह्म तेज से पैदा हुआ है, और ब्राह्मणों की तपस्या का फल उसके रोम रोम में बिंधा हुआ है। यही कारण है कि वह राक्षस होते हुए भी सतोगुणी है, और वेद पाठी ब्राह्मणों का शास्त्र बल ही राक्षसों की सहायता कर रहा है, इसलिए दैत्यों के चित्त की वृत्तियां भी बदली हुई है। आश्चर्य? इसमें आश्चर्य कैसा नारद, जब पारस के सहयोग से लोहा सोना बन सकता है, सूर्य के सामने आने पर चंद्रमंडल प्रकाशित हो सकता है, तो ब्रह्म तेज का संयोग पाकर तमोगुण सतोगुण में क्यों नहीं बदल सकता? तब तो ये कहना चाहिए प्रभु, विधाता का विधान ही बदल गया। तपस्या का प्रभाव ही ऐसा है महामुनि, विधि का विधान तो क्या, मेरा विधान भी बदल सकता है। परंतु ये कब तक चलता रहेगा, देवतागण कब तक मारे मारे फिरते रहेंगे? जब तक देवताओं का पाप नष्ट न होगा और राक्षसों में अभिमान का उदय न होगा। आकर
पुरंदर, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? आप तो सब कुछ जानते हैं भोलानाथ, हम सब वृत्रासुर के डर से भागकर आपकी शरण में आए हैं, हमें बचाइए। देवराज, ये तुम्हारे अभिमान का फल है कि तुम आज मारे मारे फिर रहे हो। तुमने अपने शस्त्र बल के भरोसे शास्त्र बल का अनादर किया है। सत्ता के मद में अंधे होकर तपस्या का तिरस्कार करने वाले की यही दशा होती है। मेरा अपराध हुआ और मुझे इसका दंड भी मिल चुका, पर अब इन देवताओं के ऊपर दया कीजिए। देवांगनाओं का लुटा हुआ सुख और सौभाग्य उन्हें वापस दिलाइए प्रभु, मैं वृत्रासुर पर विजय पा सकूं, ऐसा कोई उपाय बताइए, नहीं तो विश्व की मर्यादा ही नष्ट हो जाएगी। वृत्रासुर महर्षि भृप की तपस्या ब्राह्मणों के ब्रह्म तेज का जीता जागता स्वरूप है, उसे जीतने के लिए तुम्हें किसी ऐसे ही तपस्वी का आशीर्वाद लेना चाहिए। कौन है ऐसे तपस्वी? अथर्वेद के जानने वाले महर्षि दधीच। देवराज, तुम महर्षि दधीच के पास जाओ और उन्हें प्रसन्न करो, वही तुम्हें वृत्रासुर पर विजय दिला सकते हैं। जय हो, जय हो। भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन सत्संगमेन लभते पुरुषो यदा वै। अच्छा, अब तुम सब लोग जाओ। तुम गुरुदेव, मुझे इन चरणों की सेवा करने का सुअवसर दीजिए। पहले गुरु की सेवा करने के अधिकारी बनो। आज्ञा कीजिए। मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दो। दास तैयार है। क्या तुमने कभी यह भी सोचा है कि त्रिलोकी में सबसे निर्बल प्राणी कौन है? जानता हूं गुरुदेव, सबसे निर्बल प्राणी है मनुष्य, वो इच्छाओं का दास है। इच्छाओं ने उसे इतना निर्बल बना दिया है कि वो कुछ नहीं रहा। ठीक है, परंतु यदि मनुष्य निर्बल है तो त्रिलोकी में बलवान कौन है, अजेय कौन है? वही मनुष्य जब कुछ नहीं चाहता तब अजेय हो जाता है। इच्छाओं के जीतने पर मनुष्य इतना बलवान हो जाता है कि देवतागण भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्यों? देवतागण मनोरथों और इच्छाओं के सारथी हैं। इच्छाओं के रथ पर बैठकर देवगण मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। मैं जानता हूं तुम किस लिए आए हो, अस्तु तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। मैं तो आपकी सेवा करना चाहता हूँ गुरुदेव, मैं ब्रह्म विद्या सीखना चाहता हूँ। ब्रह्म विद्या? ब्रह्म विद्या कोई विद्या नहीं बेटा, वो एक प्रकार का कवच है जिसके धारण करने से तुम्हें किसी प्रकार का अभाव नहीं रहेगा, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण होगी।
लेकिन इसके लिए समय की प्रतीक्षा करनी होगी। करूंगा गुरुदेव। शंखनाथ आया गुरुदेव। देखो बेटा इन्हें जरा आश्रम के नियम बता दो। जो आज्ञा गुरुदेव। हरिओम 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 महाशय। ब्रह्म विद्या प्राप्त करना मुंह का ग्रास नहीं है। मुंह खोला और गप कर गए। बड़े बड़े कष्ट उठाने पड़ेंगे। मैं कष्ट उठाने के लिए ही तो आया हूँ। अच्छा बड़े साहसी मालूम होते हो। पर लकड़ी काटना पानी भरना झाड़ू देना। मैं वो सब कुछ कर लूंगा। और तेल मर्दन इत्यादि वो भी कर लूंगा। अच्छा जरा दिखाओ अपनी बानगी। ये लो मेरे पाँव दबा दो। दिखने में तो बड़े हट्टे कट्टे मालूम होते हो। जरा बल लगाओ बल। मेरी टांग तोड़ डालोगे बेटा। शंखनाथ आया गुरुजी। देखो अभी मैं आता हूँ। झाड़ू बाड़ू लगा के साफ करना। नमस्कार। नमस्कार 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 नमस्कार। सूरा और सुंदरी ये दोनों विनाश करने वाली है लेकिन तू नहीं मानता। महाशत्रु तुम्हारे विनाश की तैयारियां कर रहा है और यहाँ तू राग रंग में मस्त है। लज्जा नहीं आती। तुम तो हर वक्त मुझे यही धिक्कारा करती हो माँ। अब तुम ही बताओ कि मैं बैठा बैठा करूं भी तो क्या। शत्रुगण सामने तो आते ही नहीं। अब क्या दीवारों से सर फोड़ूं। दीवारों से सर फोड़ने को कौन कहता है। तू तो अपनी विजय की खुशी में इतना मदहोश हो गया है कि तुझे ये भी पता नहीं कि कहां क्या हो रहा है। उधर तेरे विनाश के बीज बोए जा रहे हैं और तू। विनाश के बीज बोए जा रहे हैं। कौन है वो। और कौन। वही अदिति का बेटा इंद्र। कहाँ है वो। दधीच ऋषि के आश्रम में। दधीच ऋषि के आश्रम में। अच्छा तो मैं अभी जाता हूँ। पुरंदर आज्ञा गुरुदेव। तुम्हारी सेवा और बुद्धि से मैं प्रसन्न हुआ बेटा पुरंदर। तुम गुणी साबित हुए हो। ये सब तो आप ही की कृपा का फल है गुरुदेव। मैं किस योग्य हूँ। बेटा अथर्ववेद का मनन करते हुए कई वर्ष की रातें यूं ही जागते हुए निकल गई। मगर न जाने आज नींद क्यों आ रही है। मैं कुछ देर सोऊंगा। तुम यही द्वार पर बैठे रहना। जो आज्ञा। और हाँ कुछ भी हो मुझे जगाना नहीं। और मैं जब तक तुम्हें अंदर आने को न कहूं तुम अंदर ना आना। निश्चिंत रहिए गुरुदेव। मैं आपकी आज्ञा के बिना अंदर पैर भी नहीं रखूंगा।
नींद से जागने के बाद मैं तुम्हें वो विद्या सिखाऊंगा जिसे ब्रह्म विद्या कहते हैं। ब्रह्म विद्या? ब्रह्म विद्या सीखकर तुम्हें कोई अभाव नहीं रहेगा, संसार की सारी सिद्धियां तुम्हारे सामने हाथ बांधे खड़ी रहेंगी। अब तुम जाओ बेटा। गुरुदेव, नारायण नारायण। देवर्षि, तुम यहां चोरों की तरह लुक छिप कर? छिप कर नहीं तो और यहां कैसे आ सकता हूं? हाँ मुनिराज, ये तो बताइए ब्रह्म विद्या क्या है? क्यों, क्या बात है? अभी अभी महर्षि ने इंद्र को वचन दिया है कि वो निद्रा से जागते ही उसे ब्रह्म विद्या सिखा देंगे। अगर महर्षि ने वचन दे दिया है तो अवश्य इंद्र को ब्रह्म विद्या सिखा देंगे, फिर उसे कोई परास्त नहीं कर सकता नारायण। बस तब तो मेरे लिए एक ही रास्ता है, इंद्र का सिर छेद कर दो। नारायण नारायण, कहीं ऐसा न करना दानवराज, इंद्र का सर कटते ही ऋषि की नींद टूट जाएगी और उनका कोप तुम पर बरस पड़ेगा। तो फिर क्या किया जाए? कोई ऐसी तरकीब ढूंढ निकालो ऋषि नींद से उठने ही ना पाए, अनंत काल तक सोते ही रहे। मुनिराज, ऐसी कौन सी तरकीब है बता दीजिए ना। ना बाबा ना, तुम्हारे इन देव दानवों के झगड़ों में मुझे क्या लेना देना है, और राक्षस राज अरिष्ट नेमी को मैं क्या रास्ता बता सकता हूँ भला। तुम स्वयं बुद्धिशाली हो, कोई रास्ता ढूंढ निकालो, मैं तो यह चला। महर्षि नारायण नारायण। अरिष्ट, तुम यहां? जब तुम यहां तो मैं क्यों नहीं? दीदी बोलो, महर्षि सो रहे हैं, जाग जाएंगे। जाग जाएंगे, मैं भी तो यही चाहता हूं। तुम अंदर नहीं जा सकते। नहीं जा सकता तो मुझसे युद्ध करो और महर्षि को उनकी आज्ञा के विरुद्ध नींद से जगा दो। आए, तो तुमने क्या सब कुछ सुन लिया है? हाँ, मैंने सब कुछ सुन लिया है और इसलिए तो अंदर जाना चाहता हूं। हट जाओ। युद्ध करने से वो जाग जाते, मैं अंदर भी नहीं जा सकता। कर्मों का फल मिल गया, भ्राता पुरंदर, अपने मरते हुए भाई की एक प्रार्थना सुन लो। देखो देखो, ब्राह्मणों को कभी दुख न देना, नहीं तो हे भगवान। पुरंदर पुरंदर, अंदर आओ बेटा। शंखनाथ कौन है? अरे ये क्या हो गया? गुरुदेव, देवराज, आज तुम्हारे सारे पाप धुल चुके हैं, आज तुम्हारा संकल्प पूरा होगा। बोलो बोलो, क्या चाहते हो? प्रभु, मैं वृत्रासुर पर विजय चाहता हूं। अवश्य विजय मिलेगी। देवराज, मेरे शरीर की हड्डियों से एक वज्र तैयार कराओ,
उसे ब्रह्म विद्या से पवित्र करो और वृत्रासुर पर विजय पाओ। विजय गुरुदेव, मैंने शस्त्र विद्या के अभिमान में आकर आप जैसे ब्राह्मण का अपमान किया था, परंतु सचमुच शास्त्र विद्या का स्थान शस्त्र विद्या से कहीं ऊंचा है। अच्छा हुआ जो तुम्हें तुम्हारी भूल मालूम हो गई। जाओ देवराज, तुमने कठिन तपस्या करके दधीच ऋषि से ये वज्र प्राप्त किया है, इसी से तुम वत्रासुर का वध कर सकोगे। जो आज्ञा गुरुदेव, आपका आशीर्वाद मेरे साथ है। आज मैं अकेला ही वृत्रासुर के साथ द्वंद्व युद्ध करूंगा। इंद्र मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करेगा? वृत्रासुर इतना घमंड अच्छा नहीं। इंद्र जब अकेला युद्ध करने आ रहा है तो उसके पास अवश्य कोई अमोक शक्ति होगी। मैं सर्वशक्तिमान हूं, मेरे सामने कोई शक्ति नहीं ठहर सकती। ईश्वर करे तुम विजयी हो। ब्राह्मण का वेश बनाकर मेरे सामने से भागा था, कहां छिप गया था इतने दिन? तेरे लिए काल यज्ञ कर रहा था वृत्रासुर, तेरा अंतकाल निकट आ गया। याद कर ले अपने इष्ट देव को। अपमान कर इंद्र। के पवित्र फूल है, इसके निकट आएगी तो तू जल के भस्म हो जाएगी।
चार उनके प्यार के लिए, उनके प्यार के लिए कांटों से खेलूं बार बार, ओ, 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 ओ कांटों से खेलूं बार बार उनके प्यार के लिए, उनके प्यार के लिए। जब से वो मन में आए बनी हूँ जोगनिया, मैं बनी हूँ जोगनिया। सपने कहते हैं एक दिन बनूंगी दुल्हनिया, मैं बनूंगी दुल्हनिया। तज दूंगी सब संसार, ओ, 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 ओ तज दूंगी सब संसार उनके प्यार के लिए, उनके प्यार के लिए। फूलों से कर लूं नैना चार, ओ, 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 ओ फूलों से कर लूं नैना उनके प्यार के लिए, उनके प्यार के लिए। चुन चुन कलियन सेज बिछाऊंगी, मैं सेज बिछाऊंगी। चुन चुन कलियन सेज बिछाऊंगी, मैं सेज बिछाऊंगी। फूलों के संग संग मैं गुथ जाऊंगी, मैं गुथ जाऊंगी। बनूंगी गरबा के हार, ओ, ओ, ओ बनूंगी गरबा के हार उनके प्यार के लिए, उनके प्यार के लिए। फूलों से कर लूं नैना चार, ओ, ओ, ओ फूलों से कर लूं नैना चार उनके प्यार के लिए, उनके प्यार के लिए। कांटों से खेलूं बार बार, ओ, ओ, ओ कांटों से खेलूं बार बार उनके प्यार के लिए, उनके प्यार के लिए। टपक पड़े आप मुनिराज, आप यहां बिना सरंजा, न गदा न चक्र, न शंख न पद्म। देवी आई, देव आ रही हूं। मैंने कहा था ना, तपस्या में कितनी बड़ी शक्ति होती है। तुम्हारे तप के प्रभाव से भगवान विष्णु को आना ही पड़ा। अरे इनके लिए आसन तो बिछाओ, ये बिचारे कितनी देर से खड़े। अरे हाँ, रोज पूजा करती थी, आज पूजा करना भी भूल गई। पधारिए प्रभु, पधारिए पधारिए पधारिए, आइए। विराजी ये क्या, आप तो इंद्र की तरह कांप रहे हैं। क्या क्या बताऊं प्रभु, वत्रासुर के मरते ही इंद्र को इतनी खुशी हुई, मारे खुशी का कांपने लगे। हाँ हाँ खुशी होनी चाहिए, मगर जैसे ही वत्रासुर की ब्रह्म हत्या उसके बदन से निकली तो क्या हुआ पता है? क्या हुआ मुनिराज? खुशी उसी तो हवा में उड़ गई और कांपना चलता रहा नारायण। देवी बत्रासुर के डर से
इंद्र ऐसे भागे हैं जैसे बिल्ली के डर से चूहा भाग रहा हो नारायण। देवी ये क्या पूजा नहीं करोगी? रोज तो मूर्ति की पूजा करती थी, आज तो साक्षात नारायण पधारे हैं, पूजा करो वर मांगो। लेकिन मुनिराज, देवराज इंद्र तो अपने आप को बड़ा बलवान समझता है, वो कायरों की तरह भागने लगा। नारायण नारायण, वो कहाँ का बलवान? बलवान कायर कहीं का, बिल्कुल कायर। पहले बत्रासुर के डर से न जाने कितने काल तक औरतों की तरह छिपता रहा, और फिर औरत के डर से भागकर औरतों की तरह। अरे उसकी तो बात ही छोड़िए, मैं कहता हूँ अगर देव गुरु की सहायता न होती तो एक दिन भी इंद्रासन पर नहीं बैठ सकता। नहीं, मैं कायर नहीं हूँ, मैं किसी से नहीं डरता। कौन तू? नारायण नारायण, देवराज इंद्र। तू यहाँ भी आ गया? क्या करते बेचारे, ब्रह्म हत्या से बचने के लिए यहाँ चले आए। नारद जी, पाप करते करते तेरा पेट नहीं भरा, दुष्ट, मैं भी तुझे श्राप देती हूँ। तू हाँ देवी क्षमा करो, ब्रह्म हत्या की काली छाया पड़ने से देवराज की बुद्धि मलिन हो गई थी, इसी से इन्होंने इतना घोर साहस किया। इसमें इनका दोष नहीं, संघ का दोष, इन पर दया करो देवी। नहीं नहीं महामुनि, ऐसा नहीं हो सकता। मैं बहुत लज्जित हूँ देवी, मेरा अपराध क्षमा करो। नारायण के रूप में आकर तूने मेरे साथ माया की है, और तेरे इस मायावी रूप को देखकर मैंने तेरी तरफ आंख उठाकर देखा। मैं भी पापन और तू भी पापी, तेरे इस पाप का दंड तुझे भगवान देंगे, लेकिन अनजाने में मैंने जो पाप किया है उसका प्रायश्चित मैं अवश्य करूंगी, अवश्य करूंगी। देव मुझे क्षमा करो, इसके मायावी रूप पर जो थोड़ी सी आसक्ति हुई वो एक सती के लिए, उसके सती पर लांछन लगाने के लिए कम नहीं। मेरी आत्मा मुझे तत्काल रही, अब मैं इस पापी शरीर को नहीं रहने दूंगी, मुझे अपनी शरण में लो प्रभु, शरण में लो। मैं आ रही हूं प्रभु। देवी, मेरी बच्ची, मेरी लाडली। ओ भाग्य कि मुझे भागन बाप के दर्शन तो हो गए। अरे कहाँ जा रही हो? मेरा ये भगवान को क्या हो गया? बात विचार का समय, उसे रोकिए, वो आत्महत्या करने जा रही है। लाख जतन कर जब सब हारे, भेद समझ ना आया, सागर मंथन रच कर प्रभु ने, कर तब नया दिखाया। कैसी अनोखी माया हरि की, कैसी अनोखी माया, कैसी अनोखी माया हरि की, कैसी अनोखी माया। मंथन शुरू हुआ सागर का, धरती नभ थर्राए, लगा डूबने मंदर पर्वत, देख सभी घबराए। एक अच्छप अवतार विष्णु ने चमत्कार दिखलाया, जल में बैठ पीठ पर अपनी सारा भार उठाया। शंख चक्र और गदा पद्म का रूप शिखर पर आया, देख प्रभु की लीला, सबने जय जयकार मनाया, जय जयकार मनाया। कैसी अनोखी माया हरि की, कैसी अनोखी माया, कैसी अनोखी माया हरि की, कैसी अनोखी माया। वृषधर नाग राज की सांसें हैं अग्नि की ज्वाला, धन की तरफ असुर है, उनका रंग पड़ गया काला। सबसे पहले कालकूट विष लहरों पर उतराया, जिसको पीकर भोला शंकर नील कंठ कहलाया। जगमग करता निकला चंदा, खिला मधुर उजियारा,
शिव के सिर का मुकुट बना वो लगा सभी को प्यारा। इच्छा पूर्ण करने वाली कामधेनु भी आई, गौ माता पाकर ऋषियों ने हरि की महिमा गाई। उच्चै श्रवाया श्वयल बेला जल के बाहर आया, वीर दानवों ने वो घोड़ा खुश होकर अपनाया। ऐरावत हाथी निकला जो सबके मन को भाया, दे गजराज इंद्र को प्रभु ने स्वर्ग का मान बढ़ाया। कैसी अनोखी माया हरि की, कैसी अनोखी माया, कैसी अनोखी माया हरि की, कैसी अनोखी माया। कल्प वृक्ष निकला समुद्र से ले कंचन सीकाया, परिजातक से देव गणों ने अपना स्वर्ग सजाया। कौस्तुभ पद्म राग मणि निकली सब मणियों से प्यारी, उसे स्वयं ले गए चतुर्भुज चक्र सुदर्शन धारी। रंभा आदि अप्सरा निकली ये छटा मत वाली, देवलोक सब गई सलोनी चंचल चितवन वाली। मदिरा का घट ऊपर आया मस्ती की ऋतु लाया, पीकर सुरा दुष्ट दैत्यों का अंग अंग लहराया। कैसी अनोखी माया हरि की, कैसी अनोखी माया, अनोखी माया हरि की, कैसी अनोखी माया। सावधान सावधान सावधान, जाग उठे हैं भाग हमारे, देख रहे हैं हम नैनों से अद्भुत चमत्कार। निकली कमला कमल पर मगन हुआ संसार, सागर मंथन से हुआ लक्ष्मी का अवतार। लक्ष्मी के सुंदर स्वरूप से सूर्य चंद्र शर्माए, उनको देख देव दानव सब मन ही मन ललचाए। भृगु बोले वरमाला देकर बेटी चरण बढ़ाओ, पूरा है अधिकार तुम्हें जिसको चाहो अपनाओ। महालक्ष्मी ने केशव से अपनी लगन लगाई, जग के पालनहार प्रभु को वरमाला पहनाई। नारायण ने भी लक्ष्मी को प्रेम सहित अपनाया, एक हुए लक्ष्मी नारायण जग में मंगल छाया। एक हुए लक्ष्मी नारायण जग में मंगल छाया। कैसी अनोखी माया हरि की, कैसी अनोखी माया, कैसी अनोखी माया हरि की, कैसी अनोखी माया। एक हुए लक्ष्मी नारायण जग में मंगल छाया, एक हुए लक्ष्मी नारायण, एक हुए लक्ष्मी नारायण, एक हुए लक्ष्मी नारायण, एक हुए लक्ष्मी नारायण जग में मंगल छाया, जग में मंगल छाया।